तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग सही होंगे और घर पे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जैसा अभी थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मैं बात करने वाला हूँ, जी हाँ, ऑनेस्ट कंपैरिजन बिटवीन अर्बन क्लैप एंड जस्टाइल। तो जस्टाइल के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका था लास्ट वीडियो में कि वो कैसे काम करता है, अर्निंग मॉडल, ये सारी चीज़ें। तो अभी कंपैरिजन बात करते हैं लाइन वाइज, मतलब दोनों का एक एक पॉइंट हम लेंगे और बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपना ये इस्टेब्लिशमेंट। तो जस्टाइल्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1996 में और इसका अर्बन क्लैप को हुआ था 2014 में। सेकंड पॉइंट, कस्टमर बेस की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, जब कंपनी इतने टाइम से मार्केट में है तो उसके पास कस्टमर बेस भी ज़्यादा होगा। जी हाँ, तो जस्टाइल के पास कस्टमर बेस है 25.7 मिलियन एज ऑफ 2019 और अर्बन क्लैप के पास है 3 मिलियन कस्टमर बेस। ठीक, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन दोनों का मॉडल क्या है। जैसे कि जस्टाइल दोनों प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, शायद आपको पता हो या ना पता हो, मैं क्लियर कर देता हूँ। जस्टाइल B2B एंड B2C दोनों प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। दोनों प्लेटफॉर्म के वेंडर्स जस्टाइल पे रजिस्टर्ड हैं। आपको B2C कोई काम करना है वो भी आपको वेंडर्स मिल जाएंगे, और B2B करना है तो वो भी मिल जाएगा। B2B मतलब जैसे होता है होलसेलर, मान के चलो जैसे मास्क का भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, सैनिटाइजर, तो मुझे सैनिटाइजेशन होलसेल में चाहिए और मास्क होलसेल में चाहिए, तो मुझे वो क्या बोलेंगे उसको, B2B तो चाहिए कि मतलब मुझे अपने बिज़नेस के लिए दूसरे बिज़नेस से प्रोडक्ट चाहिए। B2B और B2C का मतलब है मैंने अपने लिए मास्क ले ले, अब मुझे कस्टमर चाहिए कि भाई मेरे जो मास्क हैं वो कस्टमर ले, तो अब मैंने कॉल कर दिया मुझे एक मास्क चाहिए भिजवा दो, तो B2C। इस तरीके से B2B B2C दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं किसकी, अर्बन क्लैप में, उसमें सिर्फ B2C मॉडल ही काम करता है। उसमें क्या होता है कि एक कोई भी कस्टमर सर्च करता है या कॉल का ऑप्शन तो शायद अभी नहीं है उनके पास, इंक्वायरी डालता है अपनी कि भाई मुझे ये सर्विस करानी है, तो वो B2C जाता है सीधा, तो इसलिए B2C कस्टमर, तो इसलिए B2C वर्किंग मॉडल है अर्बन क्लैप में। अब थोड़ी वर्किंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जस्टाइल की। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने जस्टाइल का ऐप खोला हुआ है, तो जैसे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, मान के चलिए ये मैंने सर्च किया, तो आप यहाँ देख रहे होंगे एक लिस्ट ऑफ वेंडर्स आ गई है, और यहाँ से मैं किसी को भी तो जैसे मैंने इनको क्लिक कर दिया, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो मैं कॉल कर सकता हूँ या उनको इंक्वायरी सेंड कर सकता हूँ। आपको एक चीज़ और बता दूँ, अभी जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं कर रखा है, अगर मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा होता अपने नंबर्स और ये सारी डिटेल्स डाल के, तो जैसे ही मैं सर्च करता ना, उस वेंडर के पास एक इंक्वायरी चली जाती कि भाई शुभम नाम का बंदा इस नंबर से ये सर्च कर रहा है। तो वर्किंग उनकी इस तरीके से, आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए वो लिस्ट ऑफ वेंडर्स प्रोवाइड कराते हैं, आप उनमें से कोई भी किसी को भी कॉल करके अपना काम करा सकते हैं, या फिर वही वेंडर्स आपको खुद कॉल करेंगे 5 से 7 लोग कि भाई आपको ये काम कराना, अपनी ये सर्विस सर्च करी, तो मैं भी ये काम करता हूँ। ठीक है, अब सेकंड आता है अर्बन क्लैप का वर्किंग मॉडल। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अर्बन क्लैप अभी ओपन किया हुआ है, इसमें अभी आप देख रहे हो कि जैसे मैंने कुछ भी सर्च किया, जैसे AC वाला सर्च किया, AC रिपेयर वाला, तो अब आप जैसे इसमें देखोगे ना, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ वेंडर्स नहीं आती। अब जैसे मैंने क्लिक किया, अभी आप पूछेगा AC रिपेयर सर्विसिंग, चलो मैंने सर्विसिंग पर क्लिक किया, तो यहाँ पे वो सीधा प्राइस दिखाता है, जैसे कि 549 जितना भी वो दिखा रहा है, इतना प्राइस कि आपका इतना प्राइस लगेगा। अब इसके बाद आप क्लिक करोगे, ये आपने सर्विस कर दिया कि भाई मुझे ये करानी है, सर्विसिंग करानी है। ठीक है, अब सर्विसिंग में फिर आपके आपके पूछेगा कि आपका नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स भरने के बाद ना आपके पास कोई ना कोई वेंडर वो सेंड कर देगा। तो कहने का मतलब वो आपको ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करा रहा है, वो आपको सीधा सर्विस दे रहा है, समझ में आ गया, सर्विस दे रहे हैं। अब मान के लो 549 वो ले रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ कमीशन वो रखेगा, बाकी का वो अपने वेंडर को देगा। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में कि जस्टाइल क्या है कि लिस्ट ऑफ वेंडर्स आपको प्रोवाइड कराता है, सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं, और अर्बन क्लैप में क्या होता है, वो आपको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कराता है। आपको वो मैटर नहीं करता कि आप किस वेंडर से ले रहे हो, वो जिम्मेदारी रहती है अर्बन क्लैप की, वो अर्बन क्लैप के नाम से वहाँ पे जाता है। लेकिन जस्टाइल यहाँ पे क्या है कि लिस्ट ऑफ वेंडर्स आपको प्रोवाइड करा देता है कि आप उनमें से किसी को भी चूज़ करके
वहाँ से फ़ोन कर सकते हो, बात कर सकते हो। अगर पर नहीं पसंद दूसरा चूज़ करो, तीसरा करो, आपको लिस्ट प्रोवाइड हो किसी को भी आप कर सकते हो। तो यही एक प्लस पॉइंट है कस्टमर के लिए। अगर जस्ट डायल की बात करूँ तो मैं, कि जस्ट डायल में अगर कस्टमर जाता तो उसके पास ऑप्शन रहते हैं, वो किसी को भी कॉल कर सकता है। लेकिन यही नेगेटिव पॉइंट है वेंडर्स के लिए, क्योंकि वेंडर्स नहीं पसंद करते कि भाई उन्हें ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़े। ऑब्वियसली बात है, मैं कोई 100 रुपये के दे रहा हूँ और 5 लोग मार्केट में हैं, तो दूसरा वाला ज़रूर बोलेगा मैं आपको 99 में दे दूँगा क्योंकि भाई उसको कस्टमर चाहिए। तीसरा बोलेगा 98 में। तो इस तरीके से थोड़ा बार्गेनिंग भी हो जाती है। तो इस वजह से कस्टमर प्लस पॉइंट रहता है और वेंडर्स का नेगेटिव पॉइंट रहता है। यही अर्बन क्लब की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर का नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि उसको बार्गेनिंग का बिल्कुल भी चांस नहीं मिलता है। उसको सिर्फ सीधा प्राइस दिखा दिया जाता है कि भाई इतना प्राइस लगेगा आपका, और आप करना है तो करिए, नहीं तो मत करिए। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट होता है वेंडर का कि भाई उसको एक इंक्वायरी मिलेगी या एक लीड मिलेगी, वो कन्फर्म मिलेगी कि उसको जाना है और सीधा काम करके आना और पैसे लेके आने, बात ख़त्म। उसको यहाँ पे बारगेनिंग कॉम्पिटिशन का फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये था दोनों में वर्किंग का डिफरेंस कि किस तरीके से वर्क करते हैं, प्लस पॉइंट किसका, नेगेटिव पॉइंट किसका है। अब थर्ड हम लोग बात करते हैं कि ये दोनों प्लेटफॉर्म अर्निंग कैसे करते हैं। तो सीधी सी बात है, जस्ट स्टाइल अपना अर्न करता है, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने वेंडर्स के पैकेजेस के थ्रू, जो पेड पैकेज कराते हैं कस्टमर एक्विजिशन के थ्रू, यानी वेंडर एक्विजिशन के थ्रू अर्निंग करते हैं। तो सेम रहता है अर्बन क्लैब में भी, वहाँ पे भी वो कस्टमर एक्विजिशन, वेंडर एक्विजिशन एंड लीड जनरेशन के बेस पे अर्निंग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई कौन सी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, कौन सी कंपनी चल रही है लॉस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले जस्ट डायल की। तो जस्ट डायल, आपको पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो उनका रेवेन्यू आया है 1092 करोड़, और उनका एक्सपेंस वगैरह ये सब काट कूट के आपको उनका नेट प्रॉफिट मिलता है 272 करोड़ नेट प्रॉफिट। जी हाँ, आपको लग रहा होगा ये बहुत कम है, लेकिन स्टार्टअप के मामले में बहुत ज़्यादा है। अभी यही मैं अर्बन क्लब की बात करूँ तो कितना प्रॉफिट में है? वो कुछ प्रॉफिट में नहीं है, वो लॉस में चल रही है। हाँ जी, कंपनी वो 2014 से बनी है, लेकिन अभी तक अपना लॉस रिकवर नहीं कर पाई है। ज़्यादा स्टार्टअप्स में यही रहता है कि वो अपना क्या है कि पहले लॉस रिकवर करते हैं, मतलब कम होता जाता है लॉस, फिर उसके बाद एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है, फिर प्रॉफिट में कंपनी आती है। तो यही रहता है एक सर्कल। अब बात करूँ मैं इसकी अर्बन क्लब की, तो वैसे इन्होंने 150% ज़्यादा रेवेन्यू अर्न किया है तो फाइनेंशियल ईयर 19 में कंपेरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 18। ठीक है, उनका जो फाइनेंशियल ईयर 19 का जो रेवेन्यू है 116 यानी कि 116 करोड़ रुपए, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का 150% है। तो ऑब्वियसली बात है कंपनी ग्रो कर रही है। सेकंड, उनका जो लॉस है, जी हाँ, प्रॉफिट तो है नहीं इन कंपनी में, लॉस भी है ना उनका, वो इंक्रीज़ हुआ है बाई 26% इन कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18। तो उनका जो लॉस है फाइनेंशियल 19 का, उसमें है 72 करोड़, यानी कि अभी अर्बन क्लब जो कंपनी है, अभी तो पहले एक चीज़ और के लिए कर दूँ कि अर्बन क्लब अर्बन कंपनी बन चुका है, शायद आपको पता भी होगा बहुत से लोगों को। तो अर्बन क्लब का अभी का जो सिनेरियो चल रहा है कि वो 72 करोड़ की लॉस में चल रही है, ये फाइनेंशियल 19 का डेटा है अर्बन क्लब का, और जस्ट डायल का बताया था मैंने वो फाइनेंशियल 20 का है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी इन दोनों का ये केस चल रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आई होगी, मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो, और आपको लग रहा है कि कोई चीज़ छूट गई मुझसे, मुझे ये भी बताना चाहिए था, तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। बाय लोग यार, आप लोग जो बताओगे मैं ज़रूर मानूंगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, ये सारी रिसर्च करने में, ये सब डेटा देखने में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा एफर्ट लगता है। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक लाइक ड्रॉप कर दें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं मेरा कंटेंट, लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर ना भी है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, इससे ये तो लगेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं, तो उनको वीडियो पसंद आ रही है ना पसंद आ रही है, तो मैं कम से कम कंपेयर कर सकता हूँ कि मुझे चेंज करना है कि नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी वीडियो के लिए, बाय।